told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Hello everyone, कैसे हूँ आप सभी? Welcome back to my channel. और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में. वीडियो शुरू किया है मैंने सुबह से, सुबह के बज चुके हैं 9. और यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ, मटर को स्टोर कर रही हूँ. और मटर को स्टोर किस तरह से किया जाता है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी. तो चलिए, यहाँ मैंने मटर ले लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ. हेलो एवरीवन, कैसे हूँ आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल. और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में. वीडियो शुरू किया है मैंने सुबह से ही और सुबह के बज चुके हैं 9. चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और अब मैं आई हूँ किचन में मटर स्टोर करने के लिए. मटर मैं लेकर के आई थी कल मार्केट से, तकरीबन 5 किलो जितने मटर हैं. और उसे मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी. तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी प्रोसेस क्या है और मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ. तो चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मटर जिसे मैंने छील करके तैयार करके रख दिया है. और ये तकरीबन 5 किलो जितने में मटर लेके आई थी उसके सारे दाने मैंने निकाल दिए हैं. और यहाँ मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए. आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा पानी हमें गर्म करने के लिए रखना है और साथ में हमें ठंडा पानी तैयार रखना है. तो यहाँ देखिए, पानी गर्म हो चुका है. तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी काफ़ी खौल चुका है. तो उसमें डाल देंगे हम तकरीबन 1 चम्मच जितना नमक और साथ में 1 चम्मच जितनी शुगर. कल के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था और बताया भी था कि लीफी वेजिटेबल जो हरी सब्जियाँ हैं उसे बॉईल करते समय हमेशा ही नमक और शुगर डालने ही चाहिए, जिससे उसका टेस्ट और उसका जो कलर है ना वो बरकरार रहता है. तो चलिए, मैंने मटर डाल दी है, पानी उबल गया था. तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो मटर है ना, हम छीलते हैं तो काफ़ी छोटी बड़ी साइज़ की मटर रहती है. तो इस तरह से छोटी साइज़ की मटर जो है ना वो ऊपर पानी में ही ऊपर रह जाती है. जैसे आप डालोगे ना, तुरंत ही ऊपर वाली जो मटर है उसे आप निकाल करके स्टोर कर सकते हैं या सब्जी में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, धीरे 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 करके सारी छोटी बड़ी जो मटर थी ना, सारी एक एक करके ऊपर आ रही है. बस इस तरह से सारी मटर ऊपर आ जाए ना, उतना ही हमें मटर को बॉईल करना है. और उसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना, अगर उबलती ही जाएगी तो मटर पक जाएगी. तो हमें इतना ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सिर्फ हमें मटर के जो दाने हैं ना वो पानी में सारे के सारे ऊपर आ जाए ना, बस उतना ही हमें उबालना है. और साथ में हमें ठंडा पानी तैयार रखना है. तो यहाँ देखिए, मटर अच्छे से सारी पानी में ऊपर आ गई है, पानी भी अच्छा खौल चुका है. तो हम इसे निकाल देंगे और निकालने के बाद तुरंत ही आपको ठंडा सा जो पानी रेडी रखा है उसमें डाल देना है. और ठंडा पानी मैंने, जैसे आप गर्म पानी में से ठंडे पानी में डालते हैं ना, तो हल्का हल्का गर्म पानी तो साथ में चला ही जाता है. तो जो गर्म पानी हमने बनाया है उसके पास में जो ठंडा पानी रखा है, तो उसमें भी थोड़ा सा गर्म पानी जाने की वजह से वो पानी भी हल्का सा गर्म हो जाता है. तो यहाँ पर मैं दूसरा पानी भी ठंडा रेडी रखूँगी और यहाँ दूसरी मटर जो है वो भी साथ में डाल दूँगी. और यहाँ छोटे छोटे से जो दाने हैं ना, ढेर सारे हैं, तो सोचा अभी तो निकालने ही पड़ेंगे. पहले में तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन दूसरी में मैंने निकाल दिया है क्योंकि बहुत सारे दाने हैं. तो बस उसे मैं अलग से कटोरी में ले लूँगी, क्योंकि बाकी के जो बड़े दाने हैं ना, धीरे धीरे करके ऊपर एक एक करके आते जाएंगे ना, तो मैं फिर छोटे दाने और बड़े दाने अलग नहीं कर पाऊँगी. तो यहाँ देखिए, ये पानी भी हल्का सा गुनगुना हो चुका है. तो बस यहाँ मैंने साथ में ही दूसरा पानी रेडी कर रख दिया है और पानी गुनगुना हो चुका है. इसके लिए मैंने उसमें भी थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए. और पास में ही दूसरा टब रेडी रखा है पानी का, उसमें ढेर सारा डाल दिया है आइस, जिससे क्या है ना, मैं जैसे जैसे मटर निकालती जाऊंगी ना, तो दूसरे पानी में भी डालती जाऊंगी, जिससे है ना ज़्यादा ठंडा पानी रहेगा तो मटर पकेगी नहीं. बस आपको भी कुछ इस तरह से ही करना है. और मटर के दाने बहुत ज़्यादा है ना, बस उसके लिए मुझे 2 टब रेडी रखने पड़ रहे हैं. अगर आपके मटर के दाने काफ़ी कम है, 1 या 2 किलो है, तो आपको ज़्यादा कुछ मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं. काफ़ी एकदम आइस कोल्ड वाटर ले लीजिए और एक टब के अंदर ढेर सारा बर्फ़ डाल के फिर उसमें मटर के दाने डालते जाइएगा. तो
चलिए दूसरे मटर जो है वो भी उबल चुके हैं, तो उसे भी मैंने निकाल दिया है। और ये फर्स्ट वाली मटर है, इसमें से भी देखिए छोटे छोटे से दाने जो है ना वो भी इस तरह से ऊपर आ चुके हैं। जो बच गए हैं वो सारे दाने मैं निकाल दूंगी अलग से कटोरी में, और मुझे जाना है गाँव में, तो सोच रही हूँ इस मटर को कहाँ रखूँगी मैं, तो बस इसको मैं सब्जी में आज यूज़ कर लूँगी, जिससे ये भी ख़त्म हो जाएगा और बाकी के मटर मेरे स्टोर हो जाएंगे। तो चलिए अभी ठंडे पानी से आपको बर्फ़ के पानी से निकाल देना है, और इस तरह से सूती कपड़ा लेना है। मैंने लिया है कॉटन का मेरा पुराना वाला दुपट्टा, और उसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे, डाल देंगे, और पूरे दिन के लिए इसे मैं सूखने दूँगी। और इसे आपको धूप में नहीं डालना है, आपको छांव में ही सुखाना है इन मटर को, और बस एक दिन के अंदर अंदर ये सारी मटर अच्छे से सूख जाती है। फैन के नीचे रख दीजिएगा, आपका काम भी होता रहेगा और मटर भी सूख जाएंगी, और उसके बाद में आप कर दीजिएगा स्टोर। तो चलिए आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से लगा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बाकी की जो मटर है वो इसी तरह से मैं सारी बॉईल करके तैयार कर दूंगी, और छोटे मटर के दाने जो है उसे मैं अलग से ले लूंगी और उसे मैं यूज़ कर लूंगी, और जितने भी जो दाने हैं एक एक करके उसी गर्म पानी में मैं डालते जाऊंगी, और सारे के सारे दाने जो हैं उसे मैं उबाल करके रेडी कर दूँगी। तो चलिए यहाँ मैंने मटर एग्जैक्टली ली है 5 किलो जितनी, और आप कितनी इस बार स्टोर करने वाले हैं मटर मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं एक्चुअली 8 किलो जितनी मटर स्टोर करती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 किलो जितनी लेकर के आई हूँ, और भी 2-3 किलो मैं लाऊंगी और उसे भी मैं स्टोर करूँगी। बस कुकिंग प्रोसेस और ये उसको स्टोर करने की प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगी। तो चलिए सारी की सारी इस तरह से मटर मैं पानी में उबाल दे जाऊंगी, ठंडे पानी में डाल दे जाऊंगी, और इस तरह से डाल के सूती कपड़े पे फैला के रख दूंगी। और दो बार मेरा हाय हेलो आपको वेलकम व्लॉग्स में करने का रीज़न यही था कि हस्बैंड बीच में आ गए थे, तो हस्बैंड ने वहीं कहा कि आप फिर से आप अपना ले लो, मुझे निकाल दो, लेकिन मैंने फिर भी वो जो क्लिप है वो रख दी है। आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सारे के सारे मटर हो चुके हैं रेडी, और वीडियो मैंने पूरे दिन की बनाई है, हाफ दिन की लंच तक की बनाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरी वीडियो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो छोटी छोटी जो सो क्लिप है ना जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, बस उतनी ही क्लिप मैं आपको दिखा दूँगी और डाल रही हूँ मैं। तो चलिए ये सारी की सारी मटर मैंने बॉईल कर दी है, और इस तरह से हाथों से उसको फैला दूंगी जैसे फटाफट से वो सूख जाए और मेरा काम भी होते जाएगा, और ये मटर सूखती भी जाएगी, किचन में काम रहेगा तो फ़ैन तो ऑलरेडी चालू ही रहेगा। आपको एक दाना देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, ये मटर अभी भी कच्ची है, आप देख सकते हैं उसका अंदर का जो दाना है ना वो दोनों भी अलग पार्ट में हो रहा है, बस उतनी ही हमें बॉईल करनी है। और इसे अभी सूखने के लिए रख दिया है, तब तक मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ प्याज और आलू की जो टोकरी जो है ना मेरे घर पे इस तरह की स्टील की है, तो वैसे तो मैं उसे हमेशा गंदी होने पर मैं धो लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने उसे वॉश कर दी थी, तो सोचा मैं पहले पोंछ लेती हूँ और उसके बाद में आलू प्याज नए लेकर के आती हूँ, तभी हमेशा ये करती ही हूँ, हमेशा उसके पेपर जो है ना वो हमेशा चेंज करती हूँ। मैं पेपर इसके लिए उसके नीचे लगाती हूँ जिससे है ना इसके अंदर जो कचरा रहता है ना वो हमेशा नीचे घिरता रहता है, और जहाँ पर भी ये टोकरी रहेगी ना वहाँ उसके नीचे हमेशा कचरा रहेगा, तो वो ना हो ना उसके लिए मैं रखती हूँ उसके नीचे इस तरह से पेपर, जिससे उसका कचरा नीचे ना गिरे। और आलू और प्याज दोनों को अलग रखती हूँ, और प्याज के साथ में ही मैं लहसुन रखती हूँ, आलू के साथ में कभी भी लहसुन नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे फास्ट रहते हैं उसमें भी हम लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, तो इसके लिए मैं आलू अलग रखती हूँ और प्याज अलग रखती हूँ। और आलू ढेर सारे मैं लेकर के आई हूँ, और प्याज मैं बिल्कुल भी नहीं लेके आई हूँ क्योंकि थोड़े बहुत हैं तो अभी तो चल जाएगा, मैं गाँव से आऊँगी उसके बाद में लेकर के आऊँगी प्याज। तो चलिए प्याज मैं छोटी साइज़ की भी लेकर के आई हूँ, और उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली है, राजस्थानी दही वाले आलू, आपने नहीं देखी है वो वीडियो शॉर्ट्स में तो ज़रूर से देख लीजिएगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए ये देखिए इस तरह से थैलियों में है ना
जिसमें मैं लेकर के आई हूँ आलू, तो उसमें भी देखिए कितना सारा कचरा है ना, तो बस वही छोटा छोटा कचरा नीचे इस तरह से गिरता रहता है। तो उसके लिए मैं रखती हूँ इस तरह से पेपर, जिससे क्या है ना कचरा नीचे ना गिरे। और चलिए प्याज को साइड कर लेते हैं और उसमें पास में ही रख लेते हैं ये लहसुन की टोकरी। और ढेर सारा लहसुन मैंने कल ही वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने छील के रखा है, आगे मुझे काम लगेगा। थोड़ा सा लहसुन अभी बाकी है तो चलिए इसे अब रख देते हैं। और इसे मैं रखती हूँ किचन में ओवन के पास में ही, नीचे मैं ज़मीन पर उसको नहीं रखती हूँ। तो चलिए वो भी दिखा देती हूँ मैं कहाँ रखती हूँ इसे। तो किचन के पास वाली जो जगह है ना, बस वहीं पर रखती हूँ। और ओवन के पास में थोड़ी सी जगह है, एग्जैक्टली उसमें रह भी जाती है ये टोकरी, तो वहीं पर रखती हूँ। अगर नीचे रखती हूँ तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है, दरवाज़ा वगैरह अगर किचन का खोलना है ना, ड्रॉवर वगैरह, तो दिक्कत होती है। तो बस इसी तरह से मैं ओवन के पास में थोड़ी सी जगह करके मैंने टोकरी वहाँ पर रख दी है। और मेरा काम होगा, लंच बनाऊंगी, तब तक देखिए ये मटर भी सारी सूख जाएंगी, उसके बाद में मैं कर लूँगी फ्रीज़र और ये पूरे साल भर अच्छे से चलती रहेगी। और जब सीज़न में मटर महंगी हो जाती है ना, तभी भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाहर से लाते हैं फ्रोज़न मटर तो काफ़ी महंगी भी पड़ती है, तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और थोड़ी मेहनत है लेकिन हो जाता है। तो चलिए मैं साथ में लेकर के आई थी इस बार रॉक सॉल्ट पतंजलि का, तो बस वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसे भी मैं रख दूँगी क्योंकि अभी तो फ़िलहाल नमक है, जब ख़त्म होगा तभी मैं ये नया पैकेट निकालूँगी। आज की वीडियो अगर आपको कहीं पर भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे की वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फ़िलहाल के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।